हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज देखिए बहुत जबरदस्त बरसात हो रही है, आपको दिखा रहे हैं लोकेशन। हम लोग गांव में आए हुए हैं, परंतु बरसात की वजह से कोई काम नहीं हो पाया आज। और बरसात सुबह से ही हो रहा था, बीच में रुका हुआ था और अभी फिर शुरू हो गया है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बरसात बहुत तेजी से हो रही है। और गुड्डू जी निकल गए हैं आज गेहूँ में अपने पानी भराने के लिए। वहाँ भी बरसात नहीं हो रही तो कह रहे हैं पानी नहीं बरस रहा है, तो इसीलिए हम आपको खींच के दिखा रहे हैं। देख लीजिए बरसात बहुत तेज़ी से हो रही है और हम लोग किसी मकान के आड़ में यहाँ खड़े हुए हैं और भाई लोग भी हैं। देखिए यहाँ पे बरसात से बचने के लिए, तो हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, आपको हम लोकेशन दिखा रहे हैं बरसात। कौनों बात नहीं चाहे उसे। तो दोस्तों देखिए बरसात बहुत ही ज़बरदस्त शुरू हो चुकी है सुबह से ही। और इस ठंडी के मौसम में इस बरसात का थोड़ा सा महत्व भी है, क्योंकि गेहूं और सरसों की खेती अपने चरम पे है इस समय, तो इन दोनों फसलों को पानी की ज़रूरत होती है। और बरसात बहुत ही सही समय पे शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ शहरी सीमा में अगर बरसात होती है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि दुकानदार लोग अपना दुकान नहीं खोल पाते हैं, ऑफिशियल ड्यूटी पर जाने वाले लोग समय से ऑफिस पर नहीं जा पाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, कुछ लोगों के लिए नुकसान है। तो अगर तराजू को अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से बराबर बराबर भगवान बनाकर चलते हैं कि किसी का नुकसान तो किसी का फ़ायदा। परंतु ये बहुत ही सोना उगल रहे हैं, ऊपर से उगल रहा है इस किसानों के लिए, क्योंकि अगर कोई भी किसान अगर अपने खेतों में पानी डालता है तो मान कर चलिए 80-90 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से खेत में पानी डाला जाता है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त फायदेमंद चीज़ है दोस्तों। और जिसका 10 बीघा खेत होगा तो उसके लिए बहुत ही इस समय ये फायदेमंद है। ये बरसात का पानी बहुत ही अच्छा है उसके लिए। आप देख सकते हैं टीना पर से पानी किस तरीके से गिर रहा है, और मैंने अपनी बाइक भी वहाँ पर खड़ी कर दी है जिससे कि थोड़ा बहुत गंदगी है साफ हो जाए। तो दोस्तों मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, हम आपको कुछ नेचुरल चीज़ भी दिखाएंगे। और मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों बरसात बहुत ज़बरदस्त हो रही है इस समय, और गुड्डू अपने खेत में पानी भराने के लिए गए हैं। आपको वहाँ का लोकेशन दिखाएंगे कि किस तरीके से खेतों में पानी, गेहूँ के खेत में पानी दिया जाता है। परंतु हो सकता है कि कुछ ही देर में ये बरसात का पानी वहाँ भी पहुँच जाए और उनका भी खेती का पैसा बच जाएगा। स्कूल जाओगे? नहीं। ए, स्कूल जाओगे? नहीं। काहे? जल देखो अंडू, स्कूल जाओगे? नहीं। स्कूल नहीं जाओगे? नहीं। वहाँ झूला है। नहीं। ए, जाओगे? इधर देखो, झूला जाओगे? नहीं। वहाँ झूला है। ए, ए, जाओगे? जाओगे? वहाँ लॉलीपॉप मिलेगा। हाँ, चलोगे? कुरकुरे भी मिलेगा, कुरकुरे। हाँ, छोटा छोटा दो। जाओगे लेने स्कूल? स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। जीबा कुरकुरे ना खीबा, लॉलीपॉप ना खीबा, ना खीबा। ए इधर सुनो,
भैया नमस्कार, संतु भैया नमस्कार। लखाड़ू भैया नमस्कार, लप्पू भैया नमस्कार, लप्पू भैया नमस्कार। बाल की इच्छा भैया तो लखाड़ू कहा गई बड़ा नहीं। अच्छा बोलता नहीं, मुंह ना रहा उनके, मुंह नहीं रहा कहा रहा था आशीर्वाद आशीर्वाद देता भैया, हाथ उठाता भैया यहाँ देख ला है बड़े आदमी, बड़े आदमी भैया बड़े आदमी ध्यान उठाता आशीर्वाद देता बारे बड़े आदमी क्या सर कैसे हैं? क्या बेचत हुआ लखाड़ों भी दिखा दी जलेबी छानत ना। हाँ दोस्तों, फाइनली मैं अपने दुकान पे आ चुका हूँ और मैं अपनी साफ को खोल के अपने दुकान के बाहर खड़ा हूँ और देखिए क्या मस्त नजारा है। बहुत ही शानदार बारिश का मौसम था, मैंने आपको दिखाया वीडियो में, वीडियो के माध्यम से। और इस समय देखिए रोड पे गामा गामी शुरू हो गई, रोज लोग अपने कामों पे निकल चुके हैं। और जैसा कि बरसात का मौसम था तो आज सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा बरसात हुई है, जिसकी वजह से मौसम में बहुत नमी आ चुकी है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से रोडों पे चहल पहल है, गाड़ियां आ जा रही हैं, लोग अपने अपने कामों पर निकल चुके हैं और हम भी अपने दुकान पे आ चुके हैं। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बनारस।